हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में टेनोरमीन 25 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। टेनोरमीन 25 mg टैबलेट का मेनली यूज़ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ठीक करने में किया जाता है। आइए उस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एबॉट हेल्थ केयर कंपनी की ये 14 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 50 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। टेनोरमीन 25 mg टैबलेट में एटेनोलॉल IP 25 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एटेनोलॉल यह एक बीटा ब्लॉकर है जो खास तौर पर हर्ट पर असर करता है। यह हर्ट की गति को धीमा करके काम करता है और हर्ट को शरीर में ब्लड पंप करने में अधिक बेहतर बनाता है। बात करते इस टैबलेट के यूजर्स के बारे में, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इसे हाइपरटेंशन की समस्या दूर करने के लिए यूज करते हैं। हाइपरटेंशन में व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्य से बढ़ जाता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इसे एंजाइना की समस्या में भी यूज करते हैं। इस समस्या में हर्ट की मसल को कम ब्लड फ्लो होने के कारण चेस्ट में दर्द उत्पन्न होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल अरिथमिया की समस्या में भी यूज करते हैं। इस समस्या में व्यक्ति की हार्ट बीट सामान्य से अधिक बढ़ जाती है या सामान्य से अधिक कम हो जाती है। इसे इनरेगुलर हार्ट रिदम्स भी कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इस टैबलेट को हार्ट अटैक आने के बाद ठीक हुए व्यक्ति को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो। इस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोज आपके समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज्यादा होगा, यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। आप अपना ब्लड प्रेशर अपने डॉक्टर से चेक करवा कर और अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से नल दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको थकान, मितली, दस्त, चक्कर आना, हार्ट बीट कम होना, हाथों पैरों का ठंडा पड़ना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, उस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर, किडनी या फिर अस्थमा से जुड़ी कोई समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज न करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।